जहां केंद्र की मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर नारी का सम्मान देने का काम किया है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम कर रही है। जो भाजपा सरकारों की महिलाओं को सम्मान देने की सोच का परिचय देता है, यह बात भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर पलटवार करते हुए कहा कि यह प्रचार भी किसान कर्ज माफी योजना की तरह झूठा साबित होगा। पिछले चुनाव में सरकार बनने पर कर्ज माफ नहीं करने पर हजारों किसान कर्ज माफी की राह देखते हुए डिफाल्टर हुए, जिन्हें वापस सोसाइटियों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने ब्याज माफी योजना चलाई। श्रीमती ठाकुर ने संसद लोकार्पण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाने एवं उनके द्वारा उद्घाटन नहीं कराने के सवाल पर कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है। प्रधानमंत्री सभी महिलाओं को सम्मान देते हैं, वह भी संवैधानिक पद पर है, वह क्यों नहीं उद्घाटन कर सकते। इस दौरान महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सरिता पाटीदार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सही, विपक्षी दल इसमें बहिष्कार कर दिया क्या? देखो, ये संसद भवन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी है ना, तो प्रधानमंत्री संसद का लोकार्पण करेगा तो कौन करेगा? पहले तो यही क्या विपक्ष पार्टी थोड़ी कर पाएगी, तो उसका ग्राहक बनता है और करना भी चाहिए प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रपति ने करना, उनकी मांग है कि राष्ट्रपति करवाना नहीं, उनका मांग कुछ भी हो पर जो प्रधानमंत्री होगा वही करेगा ना। इस देश का प्रधानमंत्री जो विश्व में जिसका नाम हो रहा है, जो विश्व आज भारत अगर से भारत और सम्मान पूर्वक इस भारत को देख रहे हैं, जो विश्व लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री का नाम रोशन इस भारत का कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सोचना चाहिए। अब ये थोड़ी कि वो कांग्रेस अगर विपक्ष है तो क्या वो उद्घाटन करेगी, है ना, प्रधानमंत्री करेगा ना इसे चीज़ का। मानने मेरी बात सुनिए, अगर मुख्यमंत्री यहाँ के हैं तो मुख्यमंत्री उस चीज़ का उद्घाटन करेगा या दूसरा कोई करेगा? लोकतंत्र का मंदिर होता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में दर्शाया गया है कि लोकतंत्र की जो इमारत होती है उसका अगर शिलान्यास हो, भूमि पूजन हो, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति करता है। तो आपको लगता नहीं, नहीं प्रधानमंत्री का अधिकार बनता है? ऐसा नहीं है, आप पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति रहते हैं, क्यों नहीं हमारे देश की राष्ट्रपति नहीं कर सकती है? राष्ट्रपति क्यों नहीं करेगा? नहीं ना, आप अपमान नहीं, देखो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई किसी का अपमान नहीं करा, वो भी राष्ट्रपति। और आज उन्होंने सबसे बड़ा संभाव भारतीय जनता पार्टी ने ये दिया है कि इस आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया है, सम्मान किया है, पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है तो उनका हक बनता है कि वो इस लोकतंत्र का वही उद्घाटन। दुर्भाग्यपूर्ण है उनको आमंत्रण तक नहीं दिया है। ऐसा नहीं है, आमंत्रण नहीं दिया होगा ऐसा कोई क्यों ना है, कोई परिस्थिति होगी या ऐसा कुछ होता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।